हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। साशे बात करने वाला हूँ आप लोगों से टोटल धमाल और लुका छुपी के कलेक्शंस के बारे में। टोटल धमाल का मैं 13 डेज का कलेक्शंस बताऊंगा, वही लुका छुपी का सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों का। तो चलिए बात करते हैं टोटल धमाल से, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक में 94.55 करोड़ यानी कि 94 करोड़ के ऊपर ही कमाई की थी। सेकेंड वीक में सेकेंड वीकेंड में इसने 22 करोड़ के आसपास की कमाई की थी, 23.22 करोड़ के 23 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। फिर इसका जो कलेक्शन आया मंडे का वो 6 करोड़ था, 6.03 करोड़। मंगलवार का जो कलेक्शन आया ट्यूजडे का वो कलेक्शन लगभग था इसका 3.20 करोड़। और वेनसडे यानी कल का जो कलेक्शन आया है वो 3 करोड़ है, यानी कि मेरा प्रेडिक्शन जो था 2.5 से 3 करोड़ का वो सही हुआ है। तो इसका कलेक्शन 130 करोड़ हो चुका है, 130 करोड़ एग्जैक्ट। और अब बात करते हैं लुका छुपी की। फर्स्ट डे 8.01 करोड़, सेकेंड डे 10.08 करोड़, थर्ड डे 14.04 करोड़, यानी कि पहले 3 दिनों में ही इस फिल्म ने 32 करोड़ तक की अर्निंग कर ली थी। उसके बाद मंडे को जो उसकी अर्निंग आई जब महाशिवरात्रि थी 7.90 करोड़ थी, मंगलवार को 5.04 करोड़ थी और बुधवार यानी कल के दिन 4.60 करोड़ थी, यानी कि जो ड्रॉप है वो करीबन 7 से 10% के आसपास का ड्रॉप मिला है। 49.67 करोड़ जी हाँ, 49.67 करोड़ से कलेक्शन आ चुका है, जिसका मतलब साफ है कि फर्स्ट वीक खत्म होते थे इसका 53 करोड़ के आसपास का क्या कलेक्शन हो जाएगा। ये फिल्म 100 करोड़ में जाएगी कि नहीं, इस पर बहुत ज्यादा आई थिंक डाउट लगने लगा है मुझे लुका छुपी पे, क्योंकि इसके पास काफी अच्छा क्लैश है टोटल धमाल से, और जिस वजह से इसके जो कलेक्शन में जो एक ग्रोथ शायद हो सकती थी वो फिलहाल उतनी हद तक नहीं मिली है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फल कितना है।